सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव पर गिरिडीह गुरुद्वारा सिंह सभा के नगर कीर्तन की रौनक से पूरा शहर नानक देव जी की भक्ति में डूबा दिखा। नगर के कीर्तन में यूपी के अमरोहा की गतका टीम भी शामिल हुई। गतका टीम के कलाकारों ने एक के बाद एक कई जोखिम भरे करतब दिखाते दिखे। अग्नि चक्र में तलवार की खेल तो आंख में पट्टी बांध कर तलवार से जोखिम भरे खेल समेत कई हैरत और रोमांच से भरे खेलों का प्रदर्शन शहर में हुआ। इस दौरान नगर कीर्तन में फूलों के सजे वाहन में गुरु ग्रंथ साहिब का भव्य दरबार सजा हुआ था तो पंच प्यारे के वेश में महिलाएं, बेटियां और नन्हे बच्चों के साथ युवाओं का जत्था भी नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाता दिखा। जी का 553वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सिख धर्म की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1669 में इनका जन्म हुआ था। तब के बाद से जब ये बड़े हुए उसके बाद से इन्होंने सिख धर्म का प्रचलन किया और बहुत से भेदभाव से इन लोगों ने छुटकारा हम लोगों को दिलाया और बराबरी का मान दिलाया। औरतों को मर्दों को एक साथ में जो है तो सबका बराबरी का मान दिलाया। आज उन्हीं का 553वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उनके 53 जन्मोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। नगर कीर्तन के साथ में जो है तो बाहर से मुरादाबाद अमरोहा से बहुत से वो आपके क्षेत्र का खिलाड़ी और बहुत से अपना कार्यक्रम करने के लिए लोग आए हुए हैं और गुरुद्वारे में भी गुरु की वाणी गुरु के गुरुद्वारा में गुरु की वाणी और कीर्तन करने के लिए लुधियाना से रागी जत्था वगैरह बुलाए गए हैं। सभी प्रोग्राम बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और बहुत उत्साह के साथ में क्योंकि 2 साल के बाद में ये कोरोना काल में 2 साल हम लोगों के द्वारा नहीं हो पाया किसी के द्वारा भी कोई कार्यक्रम तो ये कार्यक्रम 2 साल के बाद में अभी हुआ है। इसमें लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ में हम लोग सभी सिख समाज इसको या गुरु नानक नाम लेवा जो लोग हैं सभी बहुत उत्साह के साथ में मना रहे हैं।